हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरशद अपने चैनल AHP ट्रैक्टर केयर पर आपका इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। यह ट्रैक्टर है फार्माट्रैक 65 EPI। तो दोस्तों, इसके ब्रेक में प्रॉब्लम है, खाली एक ब्रेक में। तो हमने उसी टॉपिक पर यह वीडियो बनाया है। तो चलो, हम इसका यह पेडल, ये लास्ट तक जा रहा है इसका एडजस्टिंग फुल करने के बाद। ये यहाँ से इसका एडजस्टिंग भी फुल किया हुआ है और फिर भी इसका ब्रेक नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए हमें इसका यह व्हील गार्ड प्लस इसका व्हील, ये दोनों चीज़ खोलने हैं। तो अभी हमने इसका व्हील गार्ड और व्हील खोल लिया है। अब हम इसकी ये ट्यूब असेंबली खोलते हैं। इसके सभी राउंडिंग के बोल्ट खोलने के बाद यह रहा इसका व्हील गार्ड। तो चलो, हम जल्दी से यह खोल लेते हैं और खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों, हमने इसका यह ट्यूब असेंबली खोल लिया है। अभी हम यह डिफरेंशियल लॉक शिफ्टर को निकालते हैं। यह कुछ इस तरीके से बआसानी निकल जाता है। अभी हम यह इसके राउंडिंग के बोल्ट खोलते हैं, यह ड्रम के। तो अभी हम यह सभी बोल्ट खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। जुबैर आलम, जल्दी से खोलना। तो अभी इसके ये सभी बोल्ट खोल लिए हैं और यह इसका एडजस्टिंग रोड यह खोल लेनी है। सबसे पहले तो इसका यह ड्रम निकालना है। यह इसका ड्रम, यह ड्रम तो माशाल्लाह बच चुका है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, यह बिल्कुल सही है। और यह इसकी ब्रेक लाइनर या प्लेट, यह भी ठीक है। और यहाँ से इसकी डिस भी यह ठीक लग रही है। यह इसका एक स्प्रिंग यह टूट चुका है। और यहाँ से हम देखते हैं इसमें एमरी। तो दोस्तों, इसकी प्लेट डैमेज हुई है क्योंकि इसमें बहुत एमरी पड़ी है। यह इसका डिस, ओ नो, यहाँ से देखता हूँ, यह तो इसका डिस बहुत ज़्यादा कट चुका है। तो दोस्तों, हम इसको खराद मशीन पे सही करा लेते हैं, इसका फेस कटिंग, क्योंकि ये कुछ तो कट चुकी है, कुछ ये लेंथ मशीन पे कट जाएगी, तो इसलिए हमें इसमें एक एक्स्ट्रा प्लेट डालनी होगी। इसकी तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, यह भी लाइनर ख़राब है बिल्कुल। देखो, दोनों साइड से बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और यह वाला भी, और यह प्लेट भी ख़राब है। और एक चीज़ ठीक है, एक साइड इसका लेदर सेफ है, तो नीचे वाली प्लेट जो लोहे की है वह नहीं कटी। तो अभी हम इसका यह हाफ एक्सल भी निकाल लेते हैं और इसकी अच्छे से सफाई करते हैं। और ये ब्रेक प्लेट नई मंगा लेते हैं और ब्रेक डिस्क का काम लेंथ मशीन पे करा लेते हैं। उसके बाद हम इसकी अच्छे से सफाई करने के बाद फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने यह लेंथ मशीन पर डिस्क की फेसिंग करा ली है। और दोस्तों, जितनी ये फेस की कटिंग में गई है उसी हिसाब से हमें इसमें एक प्लेट एक्स्ट्रा लगानी है। तो ये सभी सामान हमने इसका अच्छे से सफाई कर लिया है। और यह इसकी ब्रेक प्लेट जो हमने मार्केट से नई मंगाई है, नई। और दोस्तों, यह नई प्लेट मंगाने के बाद तकरीबन 1 से 2 घंटा ऑयल में भिगो कर रखनी चाहिए, बल्कि भिगो के क्या, किसी ऑयल बाल्टी में अंदर डुबा के रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यह वाली इसकी प्लेट कुछ इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे, यह भी आसानी आ जाती है।
और फिर हम इसका यह एक्सल लगा लेते हैं। यह प्लेट नहीं है। और फिर एक लोहे वाली प्लेन या प्लेट लगानी होगी। सलमान जल्दी से लगाना यार। ये ऐसे। और फिर एक प्लेट, और यहाँ पे हमें एक प्लेट एक्स्ट्रा डालनी है जो कि इसकी सेकंड है, जो खोलते वक्त मैंने फर्स्ट टाइम निकाली थी पहले, ये वाली ये मुझे लगा लेनी है यहाँ पे, क्योंकि डिश की जितनी कटिंग गई है उसी हिसाब से हमें एक एक्स्ट्रा प्लेट लगानी है, ठीक है, ताकि इसमें जो कलरेंस बढ़ चुका है उसकी पूर्ति के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर यह कलरेंस कम है और आकर डिश ड्रम ये टाइट करने के बाद ब्रेक घूम नहीं रहा, जाम है, तो आपको यहाँ पे जो ये बोल्टों के छेद दिखे हुए हैं ना स्टड में, इसमें उसी के हिसाब से सिम्स लगानी होती है, क्योंकि इसमें हमें हल्का सा कलरेंस रखना है तभी हमारा ब्रेक चल पाएगा, नहीं तो जाम हो जाता है, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से ये सही बिठा लेनी है, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ऊपर की ओर एक और लाइनर रखना है या प्लेट, या नहीं है। अब हमें इसका ड्रम रखना है, यह ड्रम, ये वाला बोल रहा हूँ दोस्तों मैं। अगर ब्रेक मतलब डिश अगर आपका हल्का कटा कटिंग हुआ लेंथ मशीन पे, तो हमने एक एक्स्ट्रा प्लेट इसमें डाल दी तो आपका ब्रेक जाम हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ इस ड्रम से पहले जो के बोल्टों के होल है वहाँ पे एक एक सिम या वाशर उसके ज़रूरत के मुताबिक रखना होता है। अभी हम यहाँ से इसका क्लीयरेंस चेक करेंगे, ये बोल्ट टाइट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ऐसे ही घुमा कर देख लेना होता है। अभी हम इसके दो या तीन बोल्ट टाइट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। अगर हमारा यह घुमाओ ठीक रहा, बिल्कुल रोज घुमा तो ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हिलाकर इसका क्लीयरेंस देखना है कि इसमें गैप है कि नहीं। तो हमने इसके तीन बोल्ट टाइट कर लिए और ये बिल्कुल सही, एक एक्स्ट्रा प्लेट डालने के बाद बिल्कुल सही घूम रही है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमें इसका डिफरेंशियल लॉक या शिफ्टर लगा लेना है। ये हमारा ब्रेक बिल्कुल ओके हो चुका है बहुत कम पैसों में, क्योंकि दोस्तों ऐसे हम इसका डिश नया मंगाते तो यह बहुत महंगा हो जाता, इसलिए इनका बहुत सस्ते में ही काम हो गया। तो अभी हमने इसका यह शिफ्टर फिटिंग कर लिया है और हम इस पे इसके बाद हम ट्यूब असेंबली पे बोंड लगा लेते हैं और फिर इसको फिटिंग करते हैं। चलो उठाना दो जुगैर, हम कुछ इस तरीके से इसको रेडी पर रख लेते हैं और रेडी को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसको फिटिंग कर लेते हैं। ये ऐसे, सलमान एक्सल घुमाओ हल्का हल्का सा ऐसे, ये कुछ इस तरीके से बासानी फिटिंग हो जाती है। तो अभी हमने इसकी ट्यूब असेंबली को फिटिंग कर लिया है। अभी ये सभी राउंडिंग के बोल्ट टाइट करने के बाद इसका व्हील गार्ड प्लस व्हील लगा लेते हैं। तो अभी इसका व्हील गार्ड प्लस व्हील ये सभी कंप्लीट हो चुका है और हमने ब्रेक एडजस्ट भी कर लिया है। तो अभी हम इसकी हल्की सी टेस्टिंग लेते हैं और देखते हैं कि हमें कामयाबी मिली कि नहीं। ऐसे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है,
तब इंसान मेहनत करता है और हमें भी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसका ब्रेक बिल्कुल सही दूसरे वाले ब्रेक के बराबर ही हो चुका है और ये ब्रेक बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आगे जल्दी ही किसी और नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर।